गाइस आपको एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए आप भी एक एजुकेशनल चैनल चलाते हैं और आप भी वीडियो डालते हैं, जीके के वीडियो डालते हैं और देखते हो कि बहुत ही कम व्यू आते हैं। तो इसका क्या सलूशन, जिससे कि आपके चैनल के जो एजुकेशनल चैनल है, जिससे कि आप जैसे जीके का वीडियो डालते हो उस पर व्यू बहुत ही अच्छे आ सके। तो ये वीडियो पूरा देखिए, इसमें आपको चीजें कुछ समझाएंगे, इनको आपको सीखना होगा और फिर अपने चैनल पर अप्लाई करते हो तो आपको आपकी वीडियो पर व्यू बहुत ही अच्छे देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपको 10 व्यू आते तो 50 व्यू आने लगेंगे, 50 आते तो 100 आने लगेंगे। बस आपको ये चीजें सुननी होंगी और अपने चैनल पर अप्लाई करनी होती है। वीडियो पूरा देखिएगा और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा है उस पर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरा कोई वीडियो आता आपके तक पहुंच सके। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब भी आप जीके का वीडियो बनाते हो तो सबसे ज्यादा देखा गया, चाहे आप किसी का भी वीडियो बनाओ नॉर्मली चलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब आप जीके का वीडियो बनाते हो बहुत ही कम व्यू आते हैं। इसका रीजन ये है कि हर कोई जीके का वीडियो बना रहा है, इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी, हर क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से दिखाना होगा, क्योंकि ये देखा गया है कि हर कोई जीके का वीडियो यूट्यूब पर बनाना चाहता है और बनाता है इसलिए, और इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, जिससे कि आपका जो भी आप वीडियो अपलोड करते हो वो दूर से अलग से दिखना चाहिए आपकी यूट्यूब पर। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप एजुकेशनल चैनल चला रहे हैं उसके लिए जीके का वीडियो बना रहे हैं तो एक अलग तरीके से वीडियो बनाए। जैसे कि जैसे एक होता हाथ से लिखने वाला आ जाता, उस तरीके के यूज कीजिए। नॉर्मल जैसे सब लोग बनाते फोटो खींची पीडीएफ बनाई उस तरीके से आप पढ़ाने लगे तो इसमें ज्यादा आपको मजा नहीं आएगा। तो आप अपनी खुद की पीडीएफ बनाइए, नहीं तो पावर पॉइंट से यूज कीजिए, टेम्पलेट बनाइए, ऐसे यूज कीजिए जो आपका जो वीडियो है बिल्कुल अलग दिखना चाहिए। जब वीडियो अलग दिखेगा वॉच टाइम बढ़ेगा, ऑटोमेटिक चैनल चलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अब आप क्या करना है कि आपको अपने थंबनेल पर बेहतर से बेहतर क्वालिटी देनी होगी। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब भी आप पिक्सेल लैब से थंबनेल बनाते हैं नॉर्मली 1 MB से कम ही रहता है, KB में रहता है, लेकिन जब वही आपका थंबनेल 10 MB में निकलेगा तो बहुत ही बेहतरीन लगेगा। उसके लिए आपको जब आप कस्टम में जाते हैं तो 484 करके आपको ये साइज डालना होगा, जिससे कि आपको जो थंबनेल होगा कम से कम 5 MB में निकलेगा। 4884 उस तरफ 4332 कर दो तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इससे क्या होगा, आपका जो देख लीजिए कस्टम इधर से करते हैं, इधर से आपके थंबनेल को बहुत ही बेहतर आप देख लीजिएगा। डिजाइनिंग थंबनेल इस तरीके से आपको बनाने होंगे। देखिए ये हमने अपने चैनल के आपको दिखा रहे हैं, इस तरीके से आपको थंबनेल बनाना सीखना होगा। उसके लिए आपको डिजाइनिंग आनी चाहिए। डिजाइनिंग क्या, आपको पिक्सेल लैब बहुत ही अच्छे से चलाना आना चाहिए। आप नहीं चला पाते हैं तो कैनवा का आप यूज कर सकते हैं, उसमें पहले से कुछ टेम्पलेट आपको फ्री प्रोवाइड कराई जाती है, नॉर्मली उसको यूज करके आप थंबनेल बना सकते हैं। उसके बाद जब भी आप जीके का वीडियो बनाते हो ध्यान रखिएगा, जो भी आप क्वेश्चन बता रहे हैं या पढ़ा रहे हैं वो एक अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए। सामने वाले को ये महसूस होना चाहिए बस इस पे एक बार क्लिक करें, इसका हमें आंसर जानना है। और जो भी आप थंबनेल बनाते हो उसमें आपको क्वेश्चन लिखना है, इसमें बहुत सारी चीजें नहीं लिख देनी, एक ऐसा क्वेश्चन लिख देना है। जैसे आप करंट अफेयर का वीडियो बना रहे हैं तो एक ऐसा क्वेश्चन लिख दो कि लोग बाग ये देखे कि बस इसको हमें जानना है, क्लिक कर दो। तो इस चीज पर भी आपको काम करना होगा, यानी आपको थंबनेल क्लिक बेट बनाना होगा। उसके लिए आपको नॉर्मली करना क्या है कि जो भी आपका जीके का क्वेश्चन है या पढ़ा रहे हो लिखा रहे हो उसमें एक बेहतर तरीके से थंबनेल को डिजाइन कीजिए और उसको उसमें लगा दीजिए। तो आपको जो भी आप थंबनेल है उसको 10 मतलब फुल HD में निकालिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ये सब कुछ हो गया आपके मतलब यूट्यूब के बारे में। उसके बाद आप क्या करना है, जब भी आप वीडियो बनाते हो वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। वीडियो किस तरीके से, आप मोबाइल से तो वीडियो बना रहे हो, ऊपर के जो है नेटवर्क है वो दिख रहे हैं, काइन मास्टर का लोगो है वो भी दिख रहा है और 4 बटन है वो भी दिख रही है, तो इससे आपके व्यू नहीं आएंगे, आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जब भी आप वीडियो बनाते हो तो माइक बिल्कुल पास लगा के जो यहाँ लगा लेते हो आवाज निकलती है, तो उससे भी आपके अच्छे मतलब अच्छा इम्प्रेशन नहीं जाएगा, वीडियो कोई देखेगा छोड़ के चला जाएगा। जब कोई छोड़ के जाता तो बहुत टाइम नहीं मिलता, फिर आपके उसमें आपको वो वीडियो नहीं चलेगा। तो इस चीज पर भी आपको काम करना होगा, यानी एक प्रोफेशनल तरीके से आप जब जीके का वीडियो बनाओगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद आप बात कर लेते हैं SEO, बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि जीके के वीडियो में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन है और सबसे ज्यादा मेरे पास कमेंट आता है कि सर बहुत ज्यादा वो है कि मतलब व्यू बिल्कुल नहीं आते। और हम आपको बता दें, आपको थंबनेल नहीं बनाना पाते हो तो हमने एक डिजाइनिंग कोर्स नॉर्मली 49 रुपीज का बनाया, उसको आप खरीद कर आप अपने थंबनेल को और बेहतर बना सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको हाल ही 400 फाइल फ्री आपको मतलब 49 रुपीज में आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आपका थंबनेल और भी बेहतर हो सके। आप उसके बाद आपको जो भी आप टाइटल लिखते हैं वो एक अच्छे तरीके से लिखिए। आपको जो भी वीडियो सर्च आता है दो तरीके से आता है, एक तो टाइटल से आता है एक टैग से आता है। इस जगह दोनों ही वीडियो आपको डालने होंगे और मतलब टैग डालने होंगे, एक अच्छे टैग डालने होंगे। किस तरीके से टैग निकलते हैं
उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। जो YouTube पर आप कोई भी सर्च करते हो, नॉर्मली सर्च रिजल्ट में बहुत सारे आपको इस तरीके का आइकन दिखते हैं, इनको आपको कॉपी करके रखना है, इसी का आपको टाइटल बनाना है, डिस्क्रिप्शन में डालना है और यही टैग लगाना है। तो जब आप ये रेगुलर करोगे तो आपके चैनल पर व्यू देखने को अच्छे धीरे धीरे देखना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको रेगुलर रहना होगा, ये नहीं एक दिन वीडियो बनाया, चार दिन नहीं, फिर पांच दिन, आप जैसी जिस तरीके से वीडियो बनाते हो उस तरीके से रेगुलर आपको एक दिन छोड़ के वीडियो बनाते हो तो एक दिन छोड़कर आपको वीडियो बनाइएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो यही चीजें आपको बतानी थी। तो आप जीके की वीडियो बनाते हैं तो कोशिश करिए कि और किसी टॉपिक पे बात करें, जैसे मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि जीके में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा है उस पर प्रेस कर लें जिससे मेरा कोई वीडियो आता है आपके तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।